केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम किया। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापस आएंगे उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बिना नहीं रहेगा, ये बीजेपी का वादा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे सभी को पक्की पेंशन वाली सरकार नौकरी देने का निर्णय पीएम मोदी ने लिया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रवी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं, पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर